हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक और नया सिर डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारी जो स्लीव की लेंथ है वो 12 इंच है। और हमारे पास ये ब्लैक कलर का लैस है, इसमें ब्लैक कलर लैस लगाएंगे। और यहाँ सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। और जो सेंटर में निशान लगाए थे वहीं पे ये लैस लगानी है। दोनों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हम एक बकरम का पीस लेंगे, तकरीबन 4 इंच उसकी चौड़ाई होगी। और लेंथ जो हमारा स्लीव का जो मोहरी आएगा उसके हिसाब से लेनी है। और यहाँ पे हमने एक चूड़ी ली है, उसी से राउंड शेप में हम यहाँ पे पेन से मार्क कर लेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग इसे कट कर लेनी है। अब यहाँ पे जो बकरम पे राउंड शेप में जो बना था उसे कट कर लेनी है। और फिर उसके बाद आयरन की हेल्प से कपड़े पे से चिपकानी है। तो यहाँ पे देखिए, और कपड़ा हम डबल ले लेंगे और राउंड शेप में ही यहाँ पे सिलाई भी लगा लेनी है। सिलाई लगने के बाद यहाँ पे भी कट कर लेनी है। और कट यहाँ पे हो चुका है। और बीच बीच में एक और कट लगानी है। और बकरम के साइड से नहीं है, बीच में एक निशान लगा लेनी है और इस पर कट करनी है। बकरम के साइड से नहीं, जो कपड़ा है उसकी तरफ से। और फिर इसके बाद इसे पलट लेनी है। और फिर उसके बाद आयरन की हेल्प से इसे अच्छे से प्रेस कर लेनी है। और ये जो डिज़ाइन है यहाँ पर लगानी है, उससे पहले एक कपड़ा लेंगे हम लोग येलो कलर का, तकरीबन इसकी लंबाई 6 इंच है। और एक और कपड़ा हम लोग लेनी है और इसकी चौड़ाई 5 इंच है। और यहाँ पे हम लोग सेंटर में एक निशान लगा लेनी है। और जो छोटे कपड़े का जो टुकड़ा है उस पर भी निशान लगा लेनी है। और फिर दोनों को जोड़ देना है। ऊपर की ओर सिलाई लगानी है। और अंदर में 1/2 इंच मोड़ते हुए ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पे जो ब्लैक कलर की लैस है, ऊपर की ओर कपड़े को 1/2 इंच मोड़ते हुए लैस को लगा लेनी है। और अब यहाँ पे बॉक्स प्लीट बना लेंगे। और इस पर एक और सिलाई लगा लेंगे। अब जो हमारा स्लीव है उसके ऊपर रखते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो हमारे जो बकरम वाला जो डिज़ाइन है इसके ऊपर लगानी है, जिस शेप में राउंड शेप में ही यहाँ पे भी स्टिच करना है। और बकरम के कपड़े को ऊपर सिलाई करना है।
यहाँ पर हम पेंट से जो राउंड शेप है हमारा बकरम उस पर आउटलाइन करेंगे। आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं उसे मीडियम ऐड करेंगे पेंट में और राउंड शेप में आउटलाइन करेंगे। इस आउटलाइन कर लेनी है और बीच बीच में ब्लैक कलर की बटन लगा लेनी है।